एमपी पुलिस वसूली के दौरान बदसलूकी से भी बाज नहीं आती है। यातायात का पाठ पढ़ाने वाले ट्रैफिक पुलिस के तो कहने ही नहीं है। शहडोल जिले से एक वीडियो सामने आया है जिसमें वाहन चेकिंग के दौरान कांस्टेबल ने चालक से 5,000 रुपये की मांग की। जब उसने पैसे देने में आनाकानी की तो अफसर के सामने ही कांस्टेबल ने चालक को थप्पड़ जड़ दिया। सोशल मीडिया पर शहडोल पुलिस का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस का एक आरक्षक राहगीर को सरेआम थप्पड़ मारते दिख रहा है। वायरल वीडियो शहडोल कोतवाली क्षेत्र के जेल बिल्डिंग के पास का है। इस वीडियो में एक पुलिसकर्मी एक राहगीर को यातायात प्रभारी की मौजूदगी में थप्पड़ जड़ते दिख रहा है और वह रहम की भीख मांग रहा है। दरअसल यातायात विभाग का वाहन अचानक एक टर्न लिया था जिससे सामने से आ रहे एक बाइक सवार उससे जा टकराया। यह बात यातायात वाहन के चालक को नागवार गुजरी। उसके बाद वह वाहन से उतरकर बाइक सवार से टूट फूट के पैसे मांगने लगा। जब उसने मेरे भी संज्ञान में आया है और किसी यातायात के आरक्षक के द्वारा किसी के साथ कुछ मारपीट हुई है और इस मामले को हमने संज्ञान में लिया है और हम इसकी जांच कर रहे हैं और अगर दोषी पाया जाएगा तो उसको दंडित करेंगे। अच्छा उम्र क्या है?